एक तो सानिया मिर्जा ने खुद तलाक दिया, मतलब खुला बोलते हैं जो भी बोलते हैं, एक यूनिलैटरली सानिया मिर्जा ने बताया, उनके घर वालों ने बताया सानिया मिर्जा के, कि सानिया मिर्जा ने छोड़ा शोएब मलिक को। फर्स्टली ये आप समझिए, शोएब मलिक ने उनको तलाक नहीं दिया है अभी तक, जितना समझ में आ रही है, कि सानिया मिर्जा ने उनको निकाला अपनी लाइफ से। अच्छा, ये बहुत टाइम से मुझे, मैं जैसे बता रहा हूँ लक्षित आपको, कि सानिया मिर्जा इसको भाव देती नहीं थी शोएब मलिक को, उन्हें खुद ही एहसास हो गया था कि मैंने गलती करा ली है। रिलायंस हो गया और सानिया मिर्जा एज अ सुपरस्टार, उनका कद बहुत बड़ा है, शोएब मलिक चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं उनके सामने, वो इतना बड़ा नाम नहीं थे। जब सानिया ने कराई भी शादी तो उनको लग रहा था कि गलती हो गई है, और फिर ये कुछ तो रिपोर्टर बोलते थे कि भाई साहब खुद ही बोलते थे कि भाई सानिया तो मतलब कनेक्शन ही नहीं कोई, समझ गया। शी इज नॉट विद मी, पहले ही बोलते थे। तो ये तो 2-3 साल से हो रहा है। इन्होंने पिछले साल डाला ना उनके लिए 2023 में कि आई एम मैरिड टू अ सुपर वुमन, तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सानिया मिर्जा के साथ मोहे मोहे हो गया। मोहे मोहे तो बेचारा उसके साथ भी हो गया ना, छोड़ के चले गए। आप ऐसा नहीं कर सकते यार, वन साइडेड मत करा करो। देखो वो क्योंकि पाकिस्तानी है तो उसको बस ऐसा नहीं होता, वो भी आप सोचो कि अगर घर टूटता है किसी का, अब उनका बच्चा है बेचारों का, घर टूटता है तो बच्चों पर भी असर पड़ता है। तो उन्होंने कोई खुशी खुशी, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता दोनों, और ताली दो हाथ से बजती है। और इस केस में तो रिपोर्टेडली लगता यही है कि सानिया वॉज नॉट हैप्पी विद हिम। तो जो रिपोर्ट पहले अब आप रहे उन्होंने हो, जो आप कोशिश कह रहे करी हो उस हिसाब हो, से। अब ये शोएब मलिक ने कुछ और करा हो हाँ मामला, उसकी वजह से है, या सानिया मिर्जा ने खुद ही मन बना लिया कि भाई हमने नहीं करनी, अब इससे नहीं निभा सकते। बट 14 साल लग गए इन दोनों को ये डिसाइड करने में कि हम आपस में नहीं निभा सकते। ये खबरें तो पिछले 3-4 साल से चल रही हैं कि ये साथ में नहीं है दोनों। 2019 में तो याद है आपको, जब वो क्लिप आई थी, बर्गर खाते रहे हैं, पिज्जे खाते रहे हैं, तब तो ये साथ में थे रेस्टोरेंट में, तब हाँ 2019 हाँ में, उन वर्ल्ड कप के टाइम पे। 2019 वर्ल्ड कप में हाँ जब वो आए थे, बर्गर खाते रहे हैं, पिज्जे खाते रहे, जब इंडिया से हारे थे, तो उससे पहले जो रेस्टोरेंट में थे ये सारे ये सब खाना खा सब रहे साथ थे, में थे, सानिया भी तो थी। वो पब्लिक यानी तो पब्लिकली भी इतना ज्यादा देखा ये नहीं गया पता एक क्या साथ होता है, में। कब ये क्या होता है ना, ये तो एक तो पर्सनल है, ऊपर से ये होता है कि हाँ वो आपके साथ होते हुए भी साथ ना है, वो वाला सीन था, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था एक तरह से। साथ होते हुए भी साथ नहीं है, लाइन अच्छी है। यही था असलियत, तो यही थी। निभाने की भी कोशिश की होगी, बिकॉज देखो ये हाई प्रोफाइल मैरिज थी, इंडियन सुपरस्टार और पाकिस्तानी एवरेज सुपरस्टार बोल, एवरेज एवरेज स्टार बोल लीजिए, तो इनकी जो शादी थी उसके साथ में मतलब बहुत सारा प्रेस भी मिला। और मेरे को याद है, पता नहीं सानिया भाभी के वहाँ पे वो भी कुछ पता नहीं क्या क्या वो मिलता था, कुछ गुड्स होते हैं ना जैसे ब्रांडिंग वैसी करके वो बेचने लग गए, तो शी वॉज वेरी पॉपुलर देयर, राइट, एंड ऑब्वियसली वेरी पॉपुलर इन इंडिया। और इनके लिए तो इससे बड़ी कोई फख्र की बात ही नहीं थी कि चलो जी पाकिस्तानी लड़के की इंडियन टेनिस स्टार से शादी हो गई जी, वो देखो पाकिस्तानी कमान, ये वाली बात थी। और बाद में खुद का मोहे मोहे हो गया। उनको बेचारी को थोड़ी देर के बाद समझ में आ गई कि मैंने शायद गलती कर ली है। बट स्टिल यार, 14 ईयर्स की मैरिज थी, इट्स नॉट अ जोक, तो निभाने की कोशिश तो करी होगी, ट्राई किया बट बट एंड हो ऑफ द नहीं डे पाया। आई थिंक दोनों ने फिर डिसीजन ले लिया होगा। एंड ये बात तो अब सानिया मिर्जा की फैमिली ने रिपोर्टेडली कंफर्म कर दी है कि सानिया ने ही इनको छोड़ा है। सानिया ने जो प्रोविजन है इस्लाम में कि औरत भी तलाक दे सकती है या सेपरेशन के लिए अर्जी दे सकती है, वही सानिया मिर्जा ने करा है, और सानिया ने छोड़ दिया शोएब मलिक को। तो अब कुछ बोल रहे हैं बेवफाई कर दी, शोएब मलिक बेवफा हैं, बेवफा सनम, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का। अब कौन बेवफा है भाई, कौन किसने क्या किया वो तो नहीं बता सकते, लेकिन डिवोर्स के साथों साथ शादी, मतलब कि इससे ये पता चलता है लक्षित कि काफी टाइम से ये दोनों साथ नहीं नहीं थे। थी। और और जो ये इनकी सना जावेद है भाई, तबे हाँ सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है ना, सना जावेद की तस्वीर दिखा दिखा जिनसे शादी जा, करी है, इन दोनों की दिखा ना, शोएब मलिक और सना जावेद। अब इनका ये है ना और जो कि सबसे सना इंटरेस्टिंग, जावेद के साथ तो ये पिछले 1 साल से अपने सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं उनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट बडी, ये वो, इनके साथ में घूमने की तस्वीरें आ रही हैं, रूमर्स इतने चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा यार एक फुल तस्वीर दिखा स्क्रीन। देना, तो इतनी छोटी उनको करीब है, हमें इतना बड़ा करा हुआ, उनकी तस्वीर दिखा, उनको बड़ा कर, हमें छोटा कर तस्वीर को। तस्वीर अच्छी लग रही है सर। आजकल फोटोशॉप होता है ना, आपको पता क्या है इन चीज़ों का। खैर, ये सना जावेद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, ये टीवी ड्रामे वगैरह मेरे मेरे ख्याल से करती हैं। हाँ, ये हुई ना बात, अब और बड़ा कर सकता था वैसे, चल ठीक है। लेकिन अभी आप ये देखें कि सानिया मिर्जा, अच्छा ये मेहंदी से याद आया, सानिया मिर्जा का पुराना इंटरव्यू है शोएब मलिक के साथ जब शादी हुई हुई थी, कि शुक्र है कि हमें ये मेहंदी एक ही बार लगानी पड़ती है, दोबारा नहीं लगानी पड़ती,
उस केस में तो मोए मोए हो गया, उनको काफ़ी काफ़ी मतलब बुरा लगा, मतलब काफ़ी टाइम लग गया मेहंदी लगाने में, तो शी वॉज क्रिबिंग अबाउट द फैक्ट कि मेहंदी बड़ी लगा दी आपने, तो शुक्र है कि एक ही बार लगी लगती है। खैर अब उन्होंने दूसरी बार लगानी नहीं लगानी है तो उनके ऊपर है, लेकिन जो उनके शोहर थे उन्होंने किसी और की मेहंदी लगवा दी है अभी। तो सना का जहाँ तक ताल्लुकात है सना जी के, सना जी 2020 में इनकी भी शादी हुई। अब इनकी शादी हुई उसमें क्या गड़बड़ घोटाला हुआ ये नहीं पता, वो किसी को नहीं पता, वो नहीं पता कि इन्होंने डिवोर्स कब करा, उनको अपने हस्बैंड को कब छोड़ा। मगर अच्छा शोएब मलिक की शादी तो 2010 में हुई थी, 14 साल हो गए, इनकी तो अभी ताजी ताजी हुई थी यार, फ्रेश। इनकी तो 2020 में हुई थी, कोविड, यार कोविड में तो कोई बाहर भी नहीं निकला घर के, भाई घर में कर ली होगी, तो घर में क्या कर ली होगी, घर में शादी कर ली होगी। मैं बोल रहा हूँ कोविड में तो कोई घर के बाहर नहीं निकला, पांडे की भी घर में हुई थी तो कले पांडे की, हार्दिक पांड्या की, अच्छा पांड्या की नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब कोविड टाइम में तो कपल्स और करीब आए हैं, यहाँ पे दूरियां कैसे बढ़ गई, कोविड में तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, कोविड में करीब आया ना, फिर कोविड खत्म हो तो फिर दूर हो गए बाहर निकलने का मौका। 20 में तो शादी हुई, 20 में तो करीब आए होंगे शादी, यार तो मैं कह रहा हूँ 20 में शादी हुई है, हाँ करीब आए, अब चलो 20 में शादी हुई है, 24 हुए अभी, कितना हुआ है टाइम, 24 शुरू हुए, 3 साल, अबे 2024 शुरू हुए कितना, वो तो शुरू हुआ जुम्मा जुम्मा, 10-20 दिन हो गए, हाँ शादी अभी हुई है तो हाँ। मतलब 2000 कम से कम 2023 से ये सिलसिला, ये वाला सिलसिला शुरू हो गया होगा, ये रिपोर्टेडली किसी टीवी शो में मिले थे ना, तो कम से कम 1-1.5 साल से, तो ऐसे तो कोई ओवरनाइट तो कोई शादी नहीं करता, 1-1.5 साल से मामला चल रहा होगा। अब ये सना जी ने 2020 में शादी करी, करी तो 3 साल में इनका मन उठ गया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे, नहीं मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो पहले शोहर का हुआ क्या, उनको कब छोड़ा और उनसे डिवोर्स कब हुआ, बिकॉज ये टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्टेटस आपका, अरे ये वाकई में बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमलाइन है, बिकॉज शोएब का तो चलो ठीक है हम 2-3 साल से सुन रहे थे हाँ। कि ये छोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, बट उनकी तो नई नई शादी हुई थी 2020 में, आपको मतलब अभी शोएब मलिक से ज्यादा उनकी तरफ जा रहे हैं, मैं उनमें उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज मेरे को ये नहीं पता था कि उनके शोहर के साथ जरा तस्वीर दिखाई, मेरे को ये नहीं पता था कि उनकी भी शादी हो चुकी है। अच्छा शोएब मलिक की पहली शादी भी थी सपोजिटली रिपोर्टेडली, जो वो जो खातून थी उन्होंने बोला था इन्होंने मेरे से फोन पे शादी करी थी, वो वाली भी दिखा देना, ये तो शोएब मलिक ही है। अरे इनके फर्स्ट वाइफ जो वाइफ है, नहीं इनका फर्स्ट उस्मान क्या नाम था उसका यार, इसके फर्स्ट हस्बैंड भी था, गूगल कीजिए जरा पहले, वो कर लो भाई फोटो, इनका इंटरव्यू करने का मन कर रहा है मेरा कि मैं इनका इंटरव्यू करूं कि कब कब क्या कैसे कब कहां कैसे हुआ ये निकाह, देखो इनका पहले वाला हस्बैंड देखना है असलियत में, तो इनको हस्बैंड दिखा दो भाई आज के टाइम में ना, अरे मेरे भाई अबे पहले ठीक है दिखा रहा है, वो टाइम लेगा यार, वो क्या मतलब क्या वो सीआईडी बैठा हुआ है कि एकदम से दिखा देगा, वो देखा वो भाई कंफर्म करके दिखाइयो, कैसे भांजे भतीजे के भतीजे के साथ दिखा दे और हम चला दे कि ये थे शोहर, बस बिल्कुल कंफर्म करके दिखाइयो तस्वीर, क्योंकि हम में से किसी ने नहीं देखा, मैंने तो इनको ही नहीं देखा था पहली बात, मुझे तो ये नहीं पता कौन है। अच्छा किसी प्रोग्राम में ये भी इंटरेस्टिंग है, आज दिखा रहे थे सरफराज अहमद ने इनकी तारीफ करी थी कि उनको पसंद है शायद, मजाक नहीं कर रहा, पाकिस्तान का ड्रामा नहीं कर रहा होता सरफराज, अच्छा सरफराज अहमद जो थे उनकी भी तस्वीर दिखा दे हंसती हुई सरफराज अहमद ने, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मेरे को किसी ने भेजी क्लिप, आपको पता है मेरे पाकिस्तानी पाकिस्तानी कितने पाकिस्तान में ट्रेंड करते हो आप, वो तो चीटिंग थी मेरे साथ, वो तो मेरे साथ धोखा किया इन लोगों ने, मेरे पीठ में खंजर भोंका इन लोगों ने, लेकिन कितने दोस्त है मेरे पाकिस्तान में आपको पता है, तो उन्होंने भेजा था कि सुशांत भाई ये देखो कि सरफराज अहमद सरफराज अहमद से, तो उन्होंने इनका नाम लिया था ये भी लंबा और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली, लंबा चलेगा यार, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये है भाई के बहुत मुबारकबाद, गुड मुबारकबाद एंड कांग्रेचुलेशंस, वो दिखाई आपको कहा गया, हैप्पी मैरिज टू बोथ ऑफ यू, अभी मिल गया आपको फर्स्ट हस्बैंड की तस्वीर देखनी है आपने, क्या करना है आपने वो देख के, वो है कौन वैसे हस्बैंड, उमर जसवाल, उमर जसवाल JSWAL दिखाओ, उमर जसवाल एक साथ दिखाना, हुई जसवाल क्या हुआ, तो जसवाल ही हो गया भाई यार, आप फिर कलेशर पाओगे, जसवाल क्या होता है, होता है जसवाल नहीं होता है, जसवाल अलग है, जसवाल अलग है, कैसे अलग है, उसमें आई नहीं है, गुड डीप थैंक्स, गुड गुड ब्रदर गुड, दिखाओ यार उनकी पहले हस्बैंड की भी तस्वीर दिखाओ, आज तो शादियों में बातें, देखो टॉपिक को वैसे ही नहीं आपने सवाल पूछा, शादियों में बातें शुरू हो गई, शोएब मलिक को मैंने भी अभी सवाल पूछा था, याद है आपको जब पवेलियन पे इन्होंने सवाल चलाया था मेरा, अच्छा ये है ठीक है,
ठीक है क्या मतलब है बे? ठीक है, मैंने कुछ कहा, मैंने ठीक है, मगर ठीक है शादी फोटो देखने देख ली, बढ़िया हैंडसम लड़का है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? यही है ना पक्का? कंफर्म? किसी और के दिखा दी तूने? ओके, यहाँ अलग लग रहे थोड़े, वहाँ अलग लग रहे थोड़े, और जो मैंने देखे थे दोपहर को उसमें बहुत ही अलग लग रहे थे। अच्छा अब इसमें देखिए आप किसको, अब आप बोल रहे सानिया मिर्जा मोए मोए, इसका बेचारे का क्यों नहीं हुआ मोए मोए, या उसका क्यों नहीं हुआ शोएब मलिक का मोए मोए, या इनका भी क्यों नहीं हुआ? 2020 में शादी हुए, 24 में फिर से दूसरी हो गई। नई वाली भाभी जी का नाम क्या है? सना जावेद। सना जावेद, आप क्या चाह कह रहे हैं? इनका मेरे को भी इनकी स्वरूप जानने में ज्यादा मतलब है कि इनको क्या हुआ। ये यहाँ पे सना जावेद की रिसर्च कर रहा है भाई, हिस्ट्री ज्योग्राफी के कौन है, ट्रेंडिंग कर रहे गूगल पे। तो ट्रेंडिंग नहीं हुआ क्या पूरी दुनिया? एक अपना भाई अरबाज खान ने भी शादी करी फिर से, उनको भी मुबारक हो। सलमान भाई की एक भी नहीं हुई, उन्होंने दूसरी कर ली। उमर जसवाल डिवोर्स्ड सना जसवाल ऑन 28 नवंबर 2023। मतलब अभी 20 नवंबर में डिवोर्स हुआ है? 28 नवंबर को डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स हुआ है 20 नवंबर को, और जनवरी में शादी हो गई, नवंबर दिसंबर एक महीना। ये भी इनका ये तैयारी हुई पड़ी थी सारी, तो मतलब ये पहले से गेम, मैं बोल रहा हूं ना, ये 2020 में इनकी शादी हुई, तो दो साल में इनका हो गया होगा, एक डेढ़ साल में हो गया होगा, इनको भी पता चल गया, इनको पता चल गया अब नहीं होने वाली, उसके बाद इन्होंने डिसीजन ले लिया होगा। माले जी चल गया, माले जी शादियों के बारे में बातें कर रहे हैं, बाहर घूम रहे फोन पे, तीन तीन शादियां, गुड कोई बात नहीं, एंजॉय करें यहां जी। तो 28 नंबर को डिवोर्स पे शादी एक नहीं हो रही यहां पे किसी की, आपको तो रिश्ते आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं, मैं कर नहीं रहा ना, कर लीजिए ना फिर, कौन मना कर रहा है आपको? मैं पांडे जी, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत बहुत मुबारक हो जी शोएब मलिक को और सना जावेद जी को, इनकी शादी हो चुकी है, मे गॉड ब्लेस देम, बहुत अच्छा रहें। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि सानिया मिर्जा के लिए भी मोए मोए वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, उनका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन था, उन्होंने, ये दोनों वैसे ही अलग हो चुके थे यार बड़े टाइम से, ये तो बोलने की बातें हैं, वो काफ़ी टाइम से अलग हो चुके थे, और ठीक है अब नहीं निभी, नहीं निभी 14 साल की लेकिन शादी थी इनकी, तो मेरे ख्याल से कितने 6-7 महीने की, मतलब 2 साल की चली है, 2 साल 8 महीने, बट वो 8 महीने भी तमाशा ही, मतलब उससे पहले यार ओवरनाइट तो डिवोर्स होता नहीं, उससे पहले 1-1.5 साल का कलेश भी तो होगा कि नहीं उन्होंने कोशिश करी होगी फिर नहीं, हाँ या पता नहीं जो भी है। चलो शादी के विशेषज्ञ से बाहर निकलते हैं, ये बात हो गई।